सुखबीर कुमार वत्स, प्रवक्ता वाणिज्य, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसठ रोड मुजफ्फरनगर से। मैं आज आपको अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत उत्पादन तथा लागत प्रकरण पढ़ाने जा रहा हूँ और इस प्रकरण के अंतर्गत आपको एक तो उत्पादन का अर्थ क्या होता है ये बताया जाएगा, दूसरा उत्पादन की परिभाषा क्या होती है वो बताई जाएगी। परिभाषा में यही है कि कम से कम शब्दों में किसी कोई भी विषय वस्तु पूरी आ जाए ये कोशिश की जाती है परिभाषा में। तो इस तरह से उत्पादन की परिभाषा बताई जाएगी, इसके बाद उत्पत्ति के नियम और इन उत्पत्ति के नियमों की मान्यता, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और इसके अलावा उत्पादन तथा लागत, ये आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले उत्पादन का अर्थ देखिए बच्चों, जो सीधी भाषा है, जो साधारण शब्द हैं, साधारण शब्दों में उत्पादन किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण करना माना जाता है। कोई भी हमने जो भौतिक वस्तुएं हैं, जैसे मेज है, अलमारी है, कोई भी इस तरह की चीज़ें, स्कूटर है, इनका निर्माण करना माना जाता है। लेकिन अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से ना तो कोई भी आदमी किसी वस्तु को बना सकता है ना किसी भी वस्तु को नष्ट कर सकता है। मनुष्य तो केवल जो प्रकृति ने हमें वस्तुएं दी हैं, प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का रूप परिवर्तन करके उनमें केवल उपयोगिता का सृजन कर सकता है, उनमें केवल उपयोगिता भर सकता है, उन वस्तुओं को केवल उपयोगी बना सकता है, इतना काम तो वो कर सकता है। लेकिन ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो किसी वस्तु का निर्माण करे। पहले से जो हमारे पास वस्तुएं मौजूद हैं उन वस्तुओं का रूप परिवर्तन करके वो वस्तु को उपयोग वस्तुओं में उपयोगिता का सृजन करता है और उनमें उपयोगिता में वृद्धि करता है, यही उत्पादन है। उत्पादन की प्रक्रियाओं में एच स्मिथ, परिभाषाओं में एक तो एच स्मिथ ने क्या कहा है, परिभाषाएं एच स्मिथ, अब देखेंगे इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने ये कहा है कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें उपयोगिता का सृजन होता है। वही बात जो अर्थ में बताई गई है उसी को ही इन्होंने कम शब्दों में इस तरह से बताया है कि जिससे कि पूरा अर्थ भी समझ में आ जाए और शब्द कम से कम रहे। इसी तरह से एली, एली ने क्या कहा है, एली ने कहा है कि उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन है। उपयोगिता भरना, उपयोगिता सृजित करना ही उत्पादन है। थॉमस ने कहा है कि ये तीन अर्थशास्त्री हैं, तीनों ने अपने अपने शब्दों में इसके अर्थ को बताया। थॉमस ने कहा है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही उत्पादन है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि कब होगी, जब वस्तु में उपयोगिता का सृजन होगा, जब वस्तु हमारे लिए उपयोगी होगी तो तभी जो है वस्तु में उपयोगिता का सृजन होगा। इसके बाद आता है उत्पत्ति के नियम, उत्पत्ति के नियम। उत्पत्ति के नियम क्या हैं कि जो उत्पादन के विभिन्न साधन हैं
वे संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उत्पादन के जो विभिन्न साधन हैं उनका उनको प्रयोग करके जो संयुक्त साधन है उनके बदले में जो परिणाम आता है वो उत्पत्ति के नियम के बारे में बताता है। लेकिन इसमें प्रमुख बात यह है कि उत्पत्ति के किन साधनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि भूमि, जो उत्पत्ति के पांच साधन होते हैं भूमि, श्रम, पूंजी, साहस और संगठन, इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। और उत्पत्ति के जो साधन हैं अगर उनको बदलना है तो उनको बदलना या उनको किस अनुपात में परिवर्तित किया जाए। इस तरह से जो उत्पत्ति के नियम हैं वो हमें ये बताते हैं कि उत्पादन के जो साधनों की मात्रा है, उत्पादन के साधनों की मात्रा का वस्तु के उत्पादन की मात्रा के साथ क्या संबंध है। अब इसके बाद है उत्पत्ति के नियम की मान्यता। उत्पत्ति के नियम की क्या मान्यता है? इसके मान्यता है कि जो उत्पादन के साधन हैं उनका संयोग में इच्छा अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरी बात है, एक या एक से ज्यादा साधन अगर स्थिर रहें या एक या एक से ज्यादा साधन स्थिर रहने चाहिए। तीसरी बात है कि जो परिवर्तनशील साधन है, जिन साधनों को हम परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे श्रम है या और कोई परिवर्तनशील साधन है, उनकी सभी इकाइयां समान समरूप रहनी चाहिए। उनकी, जिनको हम परिवर्तन करना है उसकी जितनी भी इकाइयां हैं वे समान हों। अगर वे उसमें छोटी बड़ी या कम क्वालिटी की, कम मात्रा की, कम गुणवत्ता की होंगी तो फिर हमें दिक्कत आएगी। दूसरी बात कि जो परिवर्तनशील साधन है उनकी सभी इकाइयों का पर्याप्त प्रयोग हो चुका हो। जितने भी परिवर्तनशील साधन हैं उनकी जितनी भी इकाइयां हैं उनकी सारी सभी इकाइयों का पर्याप्त रूप से प्रयोग हो चुका हो, और उत्पादन की जो तकनीक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो उसकी तकनीक, जो हम टेक्निक अपना रहे उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात है कि उत्पादन का जो संबंध है वो वस्तु की भौतिक मात्रा से होता है। उत्पादन में भौतिक वस्तु बनती है, उसके मूल्य से संबंध नहीं होता। इस तरह से ये उत्पत्ति ह्रास नियम की मान्यताएं हैं। अब इसके बाद है उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम का जो उल्लेख है ये सबसे पहले 1815 ईस्वी में सर एडवर्ड वेस्ट ने अपने एक लेख में किया था, और टारगाट ने इसका वर्णन भी अपने लेख में ही किया था। किंतु जो इसकी स्पष्ट व्याख्या है, इसकी स्पष्ट व्याख्या प्रोफेसर एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस और मार्शल, इन्होंने की थी। और इसीलिए उत्पत्ति के नियमों में क्रमागत ह्रास नियम को आधारभूत नियम माना गया। मार्शल ने उत्पत्ति ह्रास नियम को क्या बताया? उन्होंने ये कहा कि अगर कृषि कला में कोई सुधार ना हो, अगर हमें खेती करने की कला में कोई सुधार ना हो और भूमि पर उपयोग की जाने वाली जो पूंजी है और श्रम है उसकी मात्रा में वृद्धि करने से, उसकी मात्रा को बढ़ाने से उत्पादन में सामान्यतः उसके अनुपात में कम वृद्धि हो तो इसे उत्पादन कहा जाएगा। और यदि उत्पादन एक निश्चित भूभाग में पूंजी व श्रम का किसी निश्चित भूभाग में पूंजी व श्रम का अधिक से अधिक प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि की जाए तो उसे सीमांत उत्पत्ति ह्रास की घटती हुई दर से उसकी सीमांत जो उत्पत्ति है वो हमें प्राप्त होगी। इसके बाद है उत्पत्ति वृद्धि नियम। उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम, और इसको वर्धमान प्रतिफल नियम भी कहते हैं,
ये प्रतिफल की उस अवस्था को बताता है जब उत्पत्ति के साधनों की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी कि उत्पत्ति के जो साधन हैं उनकी अतिरिक्त और इकाइयों का प्रयोग करके हम उत्पादन में वृद्धि करते हैं और सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है और परिवर्तनशील अनुपातों की तीन अवस्थाओं में ये पहली अवस्था है। फिर है उत्पत्ति समता नियम, तीसरा उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम यह है कि जो उत्पादन वृद्धि नियम है और उत्पत्ति ह्रास नियम है इनके बीच की संक्रमणकालीन अवस्था है और ये जो अवस्था है ये उत्पत्ति वृद्धि नियम की समाप्ति और उत्पत्ति ह्रास नियम का प्रारंभ ये पाया जाता है। और इसका जो प्रतिफल है वो उत्पादन की उस अवस्था को बताता है जिसके अंतर्गत उत्पत्ति के साधनों की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से उत्पादन में उसी अनुपात में या उत्पादन में अनुपातिक रूप से वृद्धि होती है। इस तरह से ये उत्पत्ति समता नियम है। अब है उत्पादन लागत। उत्पादन लागत क्या है? उत्पादन लागत यह है कि उत्पादन लागत के अंतर्गत वे सभी व्यय शामिल किए जाते हैं जो किसी उत्पादक फर्म या वस्तु के उत्पादन के लिए व्यय के रूप में उठाए जाते हैं। यानी कि उत्पादन लागत में वे सारे व्यय जो कोई भी उत्पादक या कोई फर्म उत्पादन करने के खर्च के रूप में उठाती है उनको उत्पादन लागत कहते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन लागत में सही रूप से जो है परिभाषित करने के उद्देश्य से उम्ब्रेट, हंट और विंटर ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि उत्पादन लागत में वे सभी व्यय या भुगतान शामिल हैं जो एक दूसरे को उनकी वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए जाते हैं। इसमें मूल्य ह्रास है। मूल्य ह्रास माने जो संपत्ति के मूल्य में प्रयोग होने से कमी होती है उसको मूल्य ह्रास कहते हैं। तो इसमें मूल्य ह्रास है, संपत्ति का अप्रचलन है, ये मदें भी इसी में ही शामिल रहती हैं क्योंकि मूल्य ह्रास भी एक व्यय के रूप में माना गया है। इसके अलावा इसमें उत्पादक द्वारा प्रदान की गई सेवाएं, अनुमानित मजदूरी, उसके द्वारा प्रदान की गई भूमि और पूंजी का पुरस्कार भी शामिल है। अब इसके बाद है उत्पादन लागत का वर्गीकरण। उत्पादन लागत के वर्गीकरण में इसको हम चार्ट से समझेंगे। लागत लागत वर्गीकरण में एक तो है मौद्रिक लागत, मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत क्या है कि मौद्रिक लागत के अंतर्गत वे सभी लागतें शामिल होती हैं मौद्रिक लागत के अंतर्गत जिनको कोई उत्पादक उत्पादन के साधनों के प्रयोग के लिए मुद्रा के रूप में खर्च करता है, मुद्रा के रूप में व्यय करता है, वे सारी उत्पादन लागतें कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो इसमें अगर उत्पत्ति के साधनों के मूल्य को मुद्रा में व्यक्त किया जाए तो उत्पादक उत्पत्ति के साधन को
उत्पत्ति के साधनों और सेवाओं को प्राप्त करने में जितना कुल खर्च करता है, जितना कुल व्यय करता है, वो सब मौद्रिक लागतें कहलाती हैं। दूसरा है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत यह है कि इसकी अवधारणा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर मार्शल ने इसको संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि किसी वस्तु के उत्पादन में जो कष्ट, त्याग या कठिनाई होती है, उन सभी का अगर हम योग करें, यानी कि मार्शल ने यह कहा है कि अगर कोई वस्तु के उत्पादन करने में हमें कष्ट, कठिनाई या जो त्याग उठाना पड़ता है, उन सब का अगर हम योग करें तो वो वास्तविक लागत कहलाती है, और इसको सामाजिक लागत भी कहते हैं। इसके बाद है अवसर लागत। अवसर लागत क्या है? अवसर लागत यह है कि किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत वस्तु की वो मात्रा है जिसका त्याग किया जाता है, यानी कि किसी वस्तु की के उत्पादन की अवसर लागत वो मात्रा है जिसका त्याग किया जाता है। और क्योंकि साधन सीमित होते हैं और उन सीमित साधनों का ही हमें संभावित प्रयोग करना है, इसलिए इसलिए हम सभी साधनों को प्रयुक्त नहीं कर सकते, सभी साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और उनकी पूर्ति के लिए उनकी पूर्ति के लिए जिन उद्देश्यों में लागतों को प्रयोग किया जाता है, वो अवसर लागत के परित्याग कहलाता है, और इसी को ही हम अवसर लागत कहते हैं। अब इसके बाद है स्थिर और परिवर्तनशील लागतें। स्थिर व परिवर्तनशील लागतें ये क्या होती है? स्थिर व परिवर्तनशील लागतें, स्थिर लागत यह है कि उत्पादन में कुल व्यय का वह योग है जो उत्पादक को उत्पादन के स्थिर साधनों की सेवाओं को खरीदने में या उनको किराए पर लेने के लिए खर्च करनी पड़ती हैं। इसके अंतर्गत भूमि व भवन का किराया, भूमि व भवन स्थिर साधन है तो उनको क्रय करने के लिए, उनको खरीदने के लिए जो कुछ उसे व्यय करना पड़ता है वो स्थिर लागत हैं, जैसे भूमि व भवन का किराया या स्थायी कर्मचारियों का वेतन, पूंजी पर ब्याज, बीमा, स्टेशनरी आदि, ये सब स्थिर लागत कहलाती है। दूसरा है परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतें क्या हैं? कि ये वे लागतें जो उत्पादक को उत्पादन के घटते और बढ़ते साधनों के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती हैं। और घटते और बढ़ते साधन क्या हैं? जैसे कच्चा माल, कोई अस्थायी श्रमिक है, ईंधन पे व्यय, इस तरह से ये परिवर्तनशील लागत कहलाती हैं। धन्यवाद। अब इस जो पाठ की आप रीडिंग करें तो ये चैप्टर और अच्छी तरह से आपके समझ में